ये मैं बार बार बता रहा हूँ गाइस, एक बार बाढ़ में रह जाओ आप सब भूल जाओगे, जैसलमेर भूल जाओगे, जोधपुर भूल जाओगे, बस बाढ़ में रह जाओ आप। अहमदाबाद से जैसलमेर जाने वाले सुन लो गाइस, गुजराती आप सुन लो, बाड़मेर बीच में आता है गाइस। कुछ दिन तो नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ वक्त तो गुजारो बाड़मेर में। ये माता जी का इतना बढ़िया दर्शन होता है यहाँ पे, इतने बढ़िया व्यू है गाइस। चोटीला का चंडी चामुंडा माता का जो मंदिर है ना, वैसा ही मंदिर है, आप जरूर पधारिए गाइस। पावागढ़ वाली माता जी का जैसा मंदिर है, वैसा ही मंदिर है बाड़मेर में श्री जोग माया माता जी का मंदिर। तो अहमदाबाद से जैसलमेर जाने वाले सिर्फ बाड़मेर में चाय पानी के लिए लोग रुकते हैं, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ वक्त बाड़मेर में गुजारिए गाइस। बाड़मेर की ब्यूटी इंजॉय कीजिए, बाड़मेर द ब्यूटी ऑफ राजस्थान। ये देखिए गाइस, सामने जो माउंटेन पे जो माता जी का मंदिर दिख रहा है ना सामने, वहीं पे हम जाने वाले हैं गाइस आज, बने रहिएगा। फाइनली गाइस बाड़मेर में आ गए हैं हम, बाड़मेर राजस्थान। ये गाइस बाड़मेर के सबसे फेमस बाड़मेर रेलवे स्टेशन, इस हम हमारे ओरिजिनल अवतार में आ गए हैं। और ये देखिए वो हमारी कार है जिसने हमें अभी अभी ड्रॉप किया है बाड़मेर रेलवे स्टेशन के सामने, और हम जा रहे हैं श्री जोग माया माता मंदिर, गढ़ मंदिर जिसे बोला जाता है। तो बने रहेगा गाइस, कैसा रहेगा हमारा गढ़ मंदिर का सफर बताएंगे आपको। ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन है और हम जाने वाले हैं मेन स्टेशन रोड पे, वहाँ पे बने रहिए गाइस। तो ये वाला जो रोड है वो स्टेशन रोड है, ये है बाड़मेर की मेन मार्केट, मेन बाजार जिसे बोला जाता है गाइस। सब लोग संडे सुबह सुबह अपनी दुकानें खोल रहे हैं, कचरा वगैरह साफ कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे रौनक कुछ अलग ही रहती है गाइस। ये देखिए गाइस, ये है बाड़मेर का स्टेशन रोड, पीछे जो दिख रहा है वो है रेलवे स्टेशन, और हम अभी नेशनल हैंडलूम की तरफ से गुजरने वाले हैं। ये रास्ता सीधा जाता है श्री जोग माया माता मंदिर, गढ़ मंदिर। तकरीबन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, 1.5 से 2 किलोमीटर हम दूर जब चलेंगे तो नीचे मंदिर का जो गेट है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अगर आप ऑटो में आना है तो ऑटो में भी जा सकते हो, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देने का, 50 रुपये से ज़्यादा मैक्सिमम 60 रुपया अगर स्पेशल ऑटो कर रहे हैं तो, और शेयरिंग में जा रहे हैं तो 20-20 रुपया में भी छोड़ देगा। अगर आप कार लेके आ रहे हो तो कार लेके बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग की क्या चलाने की भी जगह नहीं है गाइस। बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ है, बाइक पे आप आ सकते हो, अगर कार लेके आ रहे हो तो कार यहीं रेलवे स्टेशन के पास पार्क करके आपको मैं ऑटो पे जाने के लिए सिफारिश करूँगा। नेशनल हैंडलूम बाड़मेर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फेमस हमारी सब स्ट्रीट फूड वाली आइटम जा रही है, लेकिन हम सबसे पहले डिसाइड किया है कि हम मंदिर जाएंगे, इसलिए हम सुबह ब्रेकफास्ट भी करके नहीं निकले हैं गाइस। हम मंदिर जाने के बाद ही, मंदिर के दर्शन करने के बाद ही, कैसे हो भैया, मंदिर दर्शन करने के बाद ही हम कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया साफ सफाई चल रही है गाइस, वाह। और ये देखिए वहाँ पे मस्त गरम गरम कचौरियाँ बन रही है। कोई भी वीडियो अभी नहीं लेंगे, सब बताएंगे, लेकिन पहले मंदिर जाने के बाद, बने रहेगा गाइस। गाइस ये देखो किससे मुलाकात हो गई हमारी, सवाई भाई से। सवाई भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया हो, आप सुनो? पिछले कई दिनों से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन देखो आज रास्ते में मिल गए हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये देखिए, ये सवाई भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, बेचारे ऑफिस जा रहे थे, हमने उनको मना कर दिया कि भाई आज हमारे साथ रहो, तो देखो ऑफिस भी छोड़ दिया, जॉब भी छोड़ दिया, क्या कोई ऐसा कर सकता है? आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं कर सकता गाइस।
अब इवन मैं खुद भी 10 बार सोचता हूँ कि भाई पहले ऑफिस जरूरी है यार, क्योंकि मंथली सैलरी वहाँ से आती है। लेकिन सवाई भाई सिर्फ हमारे लिए ऑफिस भी छोड़ के ये देखिए आ गए हैं। गांधी चौक है ना अंकल ये? ये देखिए गांधी चौक में बैग भर के अंकल के पास नाश्ता ले लिया है हमने, जो मंदिर पे जाके करने वाले है गाइस। तो भैया गढ़ मंदिर और कितना दूर है? सीधी रोड है। सीधी रोड है। और सब्जी मंडी आएगी? सब्जी मंडी आएगी। ओके। और नाश्ते की दुकान आ जाएगी, जैन मिस्टर बनता है। जैन मिस्टर, ओके ओके। ये देख मिल जाएगी। ये देखिए अंकल बता रहे हैं वहाँ सामने जाना है, ये गांधी मंदिर पे आ गए हैं। और ये देखिए सामने मंदिर दिख भी रहा है गाइस। थैंक यू अंकल, थैंक यू जी। देखो ये अंकल है जिनके पास हमने अभी अभी नाश्ता लिया है, ताकि हम ऊपर बैठ के वो नाश्ता इंजॉय करेंगे सवाई भाई के साथ। और ये देखिए सामने मंदिर दिखने लगा है। ये देखिए गाइस, यही है जोग माया माता का मंदिर, गढ़ मंदिर। और यहाँ पे ये देखिए लल्लू जी की बहुत ही फेमस कचौरी बन रही है, वाव। और यहाँ पे मिल रहा है छोला, छोले भटूरे और पौवा, वाव। नाश्ता करेंगे बाद में, सबसे पहले मंदिर। गाइस जिसका खतरा था हमें वो ही हो गया है गाइस, स्ट्रीट डॉग। कम से कम 10 से 12 स्ट्रीट डॉग सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो हो सकता है हमारे पे भी अटैक कर सकते हैं गाइस, क्या होगा? ओह माय गॉड, सुबह सुबह भागना पड़ेगा कुत्ते। ये देखिए इससे तो बच गए, लेकिन ये आगे वालों से कैसे बचेंगे? ये देखो, ये देखिए गाइस, ओह माय गॉड, छोटी छोटी गलियां आनी चालू हो गई है। ये देखिए गाइस, ये डॉग हमें ही देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। हो सकता है हम पे अटैक भी कर दे ये लोग। ये देखो, वाह, बच गए हैं। और ये देखिए बाड़मेर आ गया गाइस, बाड़मेर चालू हो गया है। ये हनुमान जी का मंदिर है। जय हनुमान जी। गाइस पुरानी सब्जी मंडी आ गई, ये जैन मिष्ठान भंडार जहाँ पे गरम गरम कचौरी बन रही है। और ये देखिए, ओ माय गॉड। के लिए चारा और मंदिर का प्रसाद। और ये देखिए सामने वो माउंटेन में दिख रहा है, वो ही मंदिर पे हम अभी जा रहे हैं गाइस। ये गाइस मैं आपको बता रहा था ना, बहुत ही छोटी छोटी गलियां है, इससे आगे तो गाड़ी आएगी ही नहीं गाइस। और यहाँ पे भी ज़्यादा गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। ये जो घर, ये ठाकुर जी की हवेली है, ये देखो ये है ठाकुर जी की हवेली। और इससे आगे तो आप कार लेके जा ही नहीं सकते हो, तो इसलिए मैंने बोला था गाइस अगर आप बाहर से आ रहे हो ना तो ऑटो में ही आ जाना, नहीं बाइक पे आ जाना, नहीं तो पैदल आ जाना, पैदल मज़ा आएगा आपको। ये देखिए वहीं पे हम जाने वाले हैं गाइस, ये है मंदिर। यहाँ पे गाइस शॉपिंग करनी हो ना, बेडशीट वगैरह, चद्दर वगैरह, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चद्दर और कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। बेडशीट एकदम लोकल, बेडशीट सलवार सूट गाउन सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे भी पप्पीज है, जिसका व्लॉग हमने कल डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत ही मस्त था वो व्लॉग। यहाँ पे प्रसाद मिलता है गाइस। और ये बेडशीट वगैरह की दुकान अभी बंद है। और कैसे हो भैया? बस मस्त। ये देखो ये एकदम मंदिर की सबसे पहली दुकान है ये, यहाँ से हम बहुत ही खरीदी करते हैं गाइस। आपको भी लेना है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती है। और यहीं से अभी मंदिर चालू होने वाला है गाइस। ये देखिए, ये सवाई भाई थोड़ा प्रसाद ले लो, देखो है दू। ये देखो गाइस मंदिर जाने वाले के लिए हम प्रसाद ले रहे हैं, ये नारियल
तो गाइस सवाई भाई ने जय माता जी प्रसाद ले लिया है, ये कोकोनट और ये क्या है, ये दाले मीठे मीठे दाने हैं वो पीनट्स के, साकर दालिया बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। और रुक जाइए कैमरा का एंगल चेंज कर रहा हूँ। गाइस श्री जोग माया गढ़ मंदिर ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। और ये देखिए हम इसके अंदर जाने वाले हैं अभी। सवाई भाई खोल दीजिए। वाह बाजे वो भैया और आ रहे हैं। तो कम से कम 500-550 ऐसी सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तब जाके मंदिर पहुंच पाएंगे। ये देखिए स्क्विरल, ओ हो, ये देखिए कितनी बढ़िया है, मजे कर रही है। वाह कहते हैं कि जहाँ पे ये जो स्क्विरल खिसकोली जहाँ पे रहती है वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का वास होता है। तो हम ये देखिए और दो और स्क्विरल यहाँ पे जो मजे से दाने खा रही है। तो गाइस बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं हम, बने रहेगा। और ये सवाई भाई है जिन्होंने नया मोबाइल ले लिया है। मैं भी अभी थोड़े बहुत पिछले बहुत दिनों से ये चालू नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी व्लॉगिंग, तो आज हमने ठान लिया है कि आज उनका फर्स्ट व्लॉग रिलीज करना है हमें। आज उनका व्लॉग चालू करवा देंगे आज से। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना तो उनकी भी चैनल देखते रहना गाइस, उनकी चैनल आज रिलीज हो जाएगी ना सर? बिल्कुल आज हो जाएगी। और देखिए गाइस बाड़मेर कितना बड़ा है, ऊपर जाके आपको बताता हूँ आप बिल्ली भी नहीं कर पाओगे। उसका भी एक वीडियो ले लेते हैं। पहले एक और छोटा मंदिर आया है श्री नागणेचिया माता मंदिर। जय हो। ये है श्री नागणेचिया माता मंदिर। गढ़ मंदिर से पहले इनका मंदिर आता है तो सोचा पहले यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं गाइस। ये देखिए यहाँ से बाड़मेर का नज़ारा देख लो। पहले मंदिर वहाँ पे था फिर शिफ्ट करके यहाँ लेके आए। ये कितनी सारी स्क्विरल है देखो आप यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्विरल है। छोटी छोटी स्पैरो है और पिजन भी है, और हमने रेट भी देख लिया अभी, स्पैरो सब उड़ गई हमारे आवाज़ से। ये देखिए और पीछे देख रहे हो ना, ये बाड़मेर सिटी, बहुत बढ़िया बाड़मेर है गाइस। पतंग भी चगनी चालू हो गई है, बने रहिए। जय माता जी से। आइए तो सवाई भाई से कुछ सवाल जवाब पूछते हैं गाइस। सवाई भाई कैसा है, आपको कैसा लग रहा है अभी? तो फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ मैं। फर्स्ट रुक मेरे को एक सवाल, मेरे दिमाग में एक और सवाल है। क्या पहले कभी आप इधर आए हो? इधर तो मैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, देखिए गाइस पहली बार आ रहे हैं। कितने सालों से हो आप बाड़मेर में? बाड़मेर ये बता दो। पिछले 2 साल से इधर बाड़मेर हूँ। ये 2 साल से बाड़मेर में है और फर्स्ट टाइम गढ़ मंदिर श्री जोग माया माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं गाइस। हो सकता है इनके जैसे और भी सारे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक गढ़ माता मंदिर श्री जोग माया माता मंदिर के दर्शन करने नहीं आए। गाइस मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार जिंदगी में एक बार यहाँ आ जाइए, आपकी सारी थकाने दूर हो जाएंगी, लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी गाइस। ये रास्ते देखो गाइस, हमें मत देखो, बहुत ही बढ़िया रास्ते हैं। और यहाँ से जो व्यू है सिटी का वो लाजवाब है गाइस। एक बार यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है गाइस। ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है गाइस, आपको धूप नहीं लगेगी, बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है गाइस। बहुत ही दिनों बाद मैं भी चढ़ रहा हूँ। एक जमाना था, एक टाइम था गाइस, मैं 35 दिन एक साथ यहाँ पे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ।
तब की बात अलग थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ गाइस, लेकिन मैं तब बाड़मेर में प्रॉपर सिटी में रहता था, अभी प्रॉपर सिटी में नहीं रह रहा हूँ। तो मैं रोज मंदिर आता था, 35 दिन लगातार, एक दिन भी गैप नहीं छोड़ा है, लगातार 35 दिन हम आए थे मंदिर। और हमारा 8 या 9 मिनट का हमारा एवरेज था कि हम 8 से 9 मिनट में हम मंदिर पहुंच जाते थे। लेकिन आज देखिए गाइस, कम से कम 2-2.5 महीना हो गया, दो महीने से ऊपर हो गया है हम बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, और हमें पहली बार इधर बैठना पड़ रहा है। देखो हम थक गए, हाफ गए हम, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन से भी पैदल आए हैं व्लॉग बनाते बनाते। गाइस बने रहिए, एक बहुत ही बढ़िया मैसेज लिखा हुआ है वहां पे, और क्या लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। देखिए गाइस, ये लिखने वाले को 100 टोपों की सलामी, एक पेड़ देश के नाम। यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी ग्रीनरी है गाइस, ये ऐसे ही नहीं ग्रीनरी बनी है गाइस। हम कितनी बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, पेड़ पौधे बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ। ये देखिए, तो एक पेड़ देश के नाम। हे माता जी, जय माता जी। व्यू देखो गाइस, बाड़मेर सिटी का व्यू देखो, और ये तो कुछ नहीं है, ऊपर जाके तो जन्नत दिखाऊंगा, जन्नत। बस बने रहिए, देखते रहिए। आज कहीं और भी जाने वाले हैं हम, 2-3 चीजें दिमाग में घूम रही है, लेकिन कैसे जाना है, ना हमारे पास बाइक है ना कार है, कुछ जुगाड़ करते हैं गाइस। ये देखिए, जहां पे चलना मुश्किल हो रहा है वहां पे देखिए, पानी पिलाने के लिए, लोगों के लिए पानी रखने के लिए लोग मटका लगाया हुआ है। और ये आप ऊपर दिख रहे हो ना, वहां देखिए, ये हमारे लिए पानी पीने का है, और वहां पे देखिए पशुओं के लिए, पशु नहीं पक्षी, ये पक्षी पानी पीते हैं यहाँ पे बर्ड्स, और वहां पे उनका घर बनाया है, और ये इनका चारा। देखिए गाइस, अभी भी ये युग में भी इंसानियत है, इंसान है जो अपने के अलावा किसी और के बारे में भी सोचते हैं, खास करके वो वर्ग जो बोल नहीं पाता। सुबह हमने खतरनाक सेवा की है पशु पक्षियों की, उसका व्लॉग साथ या तो इसमें ऐड होगा या तो अलग से आएगा, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखना गाइस, बहुत ही मजा आएगा आपको। जय माता जी, जय माता जी। गाइस मंदिर के ऊपर हम ज्यादा वीडियो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक बार मंदिर में चले जाएंगे ना तो बाद में ऊपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो मैं जितना बता सकता हूँ, जितना हो सकता है मेरे से, मैं उतना ट्राई करूँगा गाइस। ये देखिए, ये एक गढ़ मंदिर है, किले जैसा मंदिर है गाइस, ये एक किला ही है समझ लो, जैसे राजा महाराजाओं का किला रहता है ना, वैसे ये माउंटेन पे बना हुआ एक मंदिर, ये माता जी का किला है जहाँ पे हम आ गए हैं गाइस। देखिए गाइस, वाह गाइस, हम देखो हमारी मंजिल बहुत ही नजीक है, माता जी का त्रिशूल और माता जी का ये ध्वजा दिख रही है, और यहाँ पे सूचना लिखी है कि मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हम बिल्कुल भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर नहीं लेंगे गाइस। और ये देखिए, ये है बाड़मेर जिसकी हम बात कर रहे थे गाइस। ठीक है गाइस, ये देखिए कितनी बढ़िया से डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, मूर्ति वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। इसके थोड़े आगे पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए एक रखा है, और फिर ये देखिए, ये नीचे का एरिया है जहाँ पे धूप वगैरह करते हैं, हवन करते हैं, और इसके आगे हम वीडियो नहीं लेंगे गाइस। हाँ, ये हमारी हॉट फेवरेट जगह आ गई, मंदिर में है, और ये वाली जो जगह है ना, वो हमारी हॉट फेवरेट जगह है। ये पूरा चारों तरफ बाड़मेर के पहाड़, ये बाड़मेर सिटी, ये सन दिख रहा है। तो ये रात में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सन निकलता है ना, वहाँ से निकलता है सन, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है गाइस। अगर ये नज़ारा आपने देख लिया ना जिंदगी में, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान वाला रोड जहाँ पे हम आज जाने की सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
पानी पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, और इससे आगे गाइस हम फोटो नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए गाइस, मंदिर के अंदर हमने ज़्यादा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं की क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो अच्छा नहीं लगता। ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया सा पेड़ था लेकिन वो काट दिया था गाइस, और हम अभी लेके जा रहे हैं आपको हमारी सबसे हॉट फेवरेट जगह पे गाइस। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे परिवार की भी हॉट फेवरेट जगह है, और यहाँ से जो व्यू है वो गजब का व्यू है गाइस। बने रहिए, ये देखिए ये पीपल का पेड़ और ये मंदिर का पूरा, देखिए ये सन दिख रहा है और ये मंदिर की ध्वजा दिख रही है, और ये मंदिर के पीछे का जो नज़ारा है मैं बता रहे जा रहा हूँ गाइस। ये देखिए, ये मेरी सबसे हॉट फेवरेट जगह है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ था गाइस, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अभी भी थल दिख रहा है उसका, लेकिन काट दिया। और ये नज़ारा देखिए गाइस, ये नज़ारा देखिए आप एक बार। और ये जो सामने दिख रहा है ना गाइस, वो सामने जो माउंटेन पे मंदिर दिख रहा है वो वाला, वो है हनुमान टेकरी, और वहाँ पे भी हम जाके आ गए थे और उसके तो व्लॉग हमने रिलीज़ भी कर दिए है गाइस। हनुमान टेकरी बाड़मेर के नाम से 5 व्लॉग है, ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। वो बाड़मेर की सबसे बड़ी माउंटेन है, और ये वाला जो एरिया है ना गाइस, एकदम खूब या वहाँ पे पिपला माता देवी का मंदिर है। ये देखो, वो जो नीचे दिख रहा है ना नीचे, ये वाला है पिपला माता देवी का मंदिर, वहाँ पे तो आप बहुत मज़ा आता है गाइस। और यहाँ पे देखिए नीचे बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया है, और ये माउंटेन, और वो जो वो रोड है ना वहाँ पे, वो जसई और झूना वाला रोड है जो पाकिस्तान बॉर्डर मुनावा जाता है गाइस। एक बार लेके जाऊंगा, मैं बहुत बार घूमने गया हूँ वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया नज़ारे रहते हैं वहाँ पे गाइस। बने रहिएगा गाइस, ऐसे ही मज़ेदार जगह दिखाएंगे बाड़मेर की। ये देखिए गाइस, बाड़मेर कितना खूबसूरत है, आपने कभी सोचा भी था क्या? देखो कितना बढ़िया नज़ारा है गाइस, कोई हिल स्टेशन पे आ गए जैसा लग रहा है गाइस, वाव। देखिए गाइस, ये हम ही है जो बोल रहे हैं अब तक, ये मेरी सबसे हॉट फेवरेट जगह है। यहाँ पे हम बहुत ही मजे करते थे परिवार के साथ भी, हम यहाँ पे आते थे बहुत बार, और आज हम आए हैं और वीडियो ले रहे हैं। बने रहेगा, और हम अभी कुछ और भी दिखाने वाले हैं जो बहुत ही खास है। जय हो श्री पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः, जय हो, जय हो, जय हो, जय। हम अभी जा रहे हैं गाइस हमारी नई मंजिल की तरफ, हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो सवाई भाई जो पिछले एक घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं। सवाई भाई सॉरी, कैसा लगा आपको मंदिर में आके वो बता दीजिए पहले, आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जोग माया माता मंदिर का? इधर फर्स्ट बार आया हूँ। पहली बार आए हो? बहुत ही शानदार मंदिर है, एकदम यूं पहाड़ के ऊपर क्या नज़ारा है, बहुत ही शानदार। तो अभी आप कब आओगे वापस? वापस बहुत जल्द आएंगे, इस हफ्ते के अंदर अंदर, इस हफ्ते के अंदर वापस आ जाएंगे। देखिए गाइस, कैमरा चेंज कर रहा हूँ, एक बार आ जाओगे ना तो बार बार, फिर बार बार आओगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड अनुज भाई हमें लेके आए थे यहाँ पे पहली बार, और फिर हम यहाँ पे कितनी बार आ गए आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। आप भी अपने दोस्त को लेके आओ, बिल्कुल बार बार आओ, फिर अपने आप आने लगेंगे। हाँ, अगर एक बार आ गए तो सही है। ये गाइस, चिड़ियों की किलकिलाट, और हम अभी हमारा जो नारियल लिया था हमने वो यहाँ हवन में डालने वाले हैं। ये रहा, उधर इधर इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, ये देखो। जय माता जी, ये नारियल के टुकड़े करके इसमें डालेंगे। हाँ, इसकी जो खुशबू आती है ना अल्टीमेट है गाइस, बहुत बढ़िया खुशबू आती है। वाह, ओहो, बहुत बढ़िया। जय माता जी, जय अम्बे, जय अम्बे। बस ये देखिए गाइस, बाड़मेर देखिए कितना बड़ा है बाड़मेर, आप देखो गाइस, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये बाड़मेर इतना बड़ा है। और ये अपना मंदिर, और ये सवाई भाई अपना फर्स्ट व्लॉग बनाते हुए,
देखते हैं आज रिलीज होगा कि नहीं। वाह, और एक और जगह पे मैं लेके जाता हूँ गाइस आपको, ये देखिए। बनाओ बनाओ सोहेल भाई, ये देखिए, ये मेरी सबसे हॉट फेवरेट जगह गई ना, उसके बाद ये मेरी एक और हॉट फेवरेट जगह है। नाइट का व्यू यहाँ पर लाजवाब व्यू है। अगर आप ये दिन में जब सूरज उगता है ना, वहाँ से सूरज उगता है वो व्यू, और रात में जब ये शहर चमकता है ना, वो व्यू एकदम देखने लायक है गाइस। ऐसा लग रहा है कि आप आकाश में ऊपर बैठे हो, मस्त फ्लाइट में से ऊपर से जा रहे हो, ऐसा नज़ारा रहता है। करणी माता का जो मंदिर है ना उदयपुर में, वहाँ पे भी ऐसे ही नज़ारे मिलते हैं गाइस। उसका भी वीडियो ले लिया है लेकिन डाला नहीं है, जल्द ही डाल देंगे गाइस। पास बने रहिए, देखते रहिए। तो गाइस ये था हमारा सफर श्री जोगमाया माता मंदिर का, जो कि बहुत ही बढ़िया सा निकला हुआ है। और अभी जो टाइम हुआ है मेरे ख्याल से 10:40 हो गई है। अब ना तो सुबह से हमने कुछ खाया है, ना पानी भी पिया है। जो रूम में पानी पिया था वो ही पिया था। अभी प्रसाद लिया था हमने थोड़ा सा, महाराज ने दिया, बहुत ही बढ़िया प्रसाद दिया महाराज ने जो हमने खाया। और हम अब थोड़ा नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद बाड़मेर में स्ट्रीट फूड और बाड़मेर की थाली भी एक्सप्लोर कराएंगे। और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज पूरा दिन है घूमने के लिए। हम ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे कोई नहीं जाता होगा गाइस। और ये देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद से जैसलमेर में, अहमदाबाद से जैसलमेर जाने वाले, सुन लो गाइस, गुजराती आप सुन लो, बाड़मेर बीच में आता है गाइस। कुछ दिन तो नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ वक्त तो गुजारो बाड़मेर में। ये माता जी का इतना बढ़िया दर्शन होता है यहाँ पे, इतने बढ़िया व्यू है गाइस। चोटीला का चंडी चामुंडा माता का जो मंदिर है ना, वैसा ही मंदिर है, आप जरूर पधारिए गाइस। पावागढ़ वाली माता जी का जैसा मंदिर है, वैसा ही मंदिर है बाड़मेर में श्री जोगमाया माता जी का मंदिर। तो अहमदाबाद से जैसलमेर जाने वाले सिर्फ बाड़मेर में चाय पानी के लिए रुकते हैं, लेकिन मैं उनको विनंती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ वक्त बाड़मेर में गुजारिए गाइस। बाड़मेर की ब्यूटी इंजॉय कीजिए, बाड़मेर द ब्यूटी ऑफ राजस्थान। ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं और ये है वही एरिया है श्री हनुमान टेकरी के। व्लॉग ऑलरेडी हमारी चैनल पे अवेलेबल है, 5-5 व्लॉग बनाए हैं, जरूर देखना। और ये मंदिर का आंगन बहुत ही बढ़िया, फैमिली के साथ आओ, कुछ नाश्ता लेके आओ गाइस। यहाँ पे आप बैठ के आराम से नाश्ता पानी कर सकते हो, बहुत ही मजे वाला एरिया है, एकदम शांत है। देखो पेड़ पौधे की छांव है, और क्या चाहिए गाइस, और क्या चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। ये देखिए हमारा ठेला जो पूरा नाश्ते से भरा हुआ है, थोड़ा नाश्ता हम करेंगे, थोड़ा चिड़ियों को भी खिलाएंगे। ये जॉकर्स हमने इंदौर से लिया था, ये आसाम से लिया है, ये जोधपुर से लिया है गाइस, और ये लिया है शिव सागर से, और ये हमने लिया था अंकल के पास नीचे से, जो हम अभी खाने वाले हैं। बने रहेगा, बहुत ही मज़ा आएगा गाइस। बाय बाय। सुबह 7 पानी पिया था गाइस, 11 बजने वाले हैं, बहुत लंबा गैप हो गया। मंदिर के आंगन में देखो हम मजे कर रहे हैं। भीड़ बना रहे हो, क्या खा रहे हो आज? देखो आज 12 हम मंदिर आए हैं, 12 बाद में नाश्ता कर रहे हैं। देखो अभी देखो दोपहर की टाइम हो रही है। सोहेल भाई क्या खाओगे, राजस्थानी थाली या फिर दाल बाटी चूरमा? देखो अभी उस तो उधर जाने में टाइम लगेगा, तब तक तो ये खाते हैं ना। लेकिन क्या खाओगे इसके बाद, क्या खाओगे? कचौरी, दाल पकवान, मिर्ची वड़ा, पौवा, बताओ आप क्या खाओगे? देखते हैं, छोले भटूरे ये खाते हैं, इसके बाद में क्या मन होगा वो खाएंगे। ओके, फाइनली गाइस हम मंदिर से नीचे उतर रहे हैं,
हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है माता जी को छोड़ कर जाने की, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमें आगे और भी जगह जाना है। तो बहुत ही मज़ा आ गया माता जी, वापस तुम्हारे दर्शन करने बुलाना हमें, और बने रहिए गाइस। ये देखिए गाइस, ये नज़ारा देखिए, वाव कितना बड़ा सिटी है, देखो बाड़मेर देख रहे हो ना, और ये अपना मंदिर। ये देखिए हमारे सवाई भाई हमारे साथ आए आज, थैंक यू। और ये पीछे का बाड़मेर का नजारा, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पेड़ पौधे बचाओ गाइस, इतना बढ़िया तो बन रहा है।